सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। उधर बस्ती में ट्रैफिक नियम खुद डिप्टी एसपी के लिए भारी पड़ गया। शहर में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने डीएसपी साहब की गाड़ी का चालान कर दिया, लेकिन पुलिस का यह कदम आम लोगों के लिए भी एक बड़ी नजीर बन गया। देश भर में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को भारी जुर्माना चुकाना पड़ रहा है, लेकिन बस्ती जिले में आज ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर डिप्टी एसपी का ही चालान कट गया। बस्ती में इन दिनों पूरा पुलिस अमला सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इसी दौरान एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर डिप्टी एसपी कामेश्वर सिंह की गाड़ी को रोककर उनके ड्राइवर का चालान काट दिया। हम वापिस आ रहे थे, डीजीपी महोदय का आदेश है जो भी पुलिस कर्मी हो यदि टू व्हीलर पर चल रहा है हेलमेट नहीं लगाया तो उसकी चालान होगा, फोर व्हीलर पर ड्राइवर और आगे बैठा गनर जो भी सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो उसी के तहत चालान होगी। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। सड़क पर लोगों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इन दिनों देश भर में मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है और आम लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए बस्ती पुलिस ने अपने महकमे में एक हफ्ते के लिए पुलिस हेलमेट पहनो अभियान की शुरुआत की है। इसी अभियान के तहत हो रही चेकिंग के दौरान पुलिस ने डीएसपी साहब की गाड़ी का चालान काट दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक जागरूकता के संबंध में संकल्प लिया है कि हम पूरे बस्ती में हेलमेट लगवाएंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक सप्ताह का पुलिस हेलमेट लगाओ अभियान चलाया गया है, खास करके इसमें पुलिस वालों को चेक किया गया। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब भारी भरकम जुर्माना किया जा रहा है, जिसको लेकर आम लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी। इसी के चलते पुलिस ने आम लोगों के साथ अपने विभाग में भी ट्रैफिक नियमों का पालन कराना शुरू किया है। ऐसे में डीएसपी की गाड़ी का चालान होना ये संदेश है कि चाहे आम नागरिक हो या पुलिस वाले, नियम कानून सभी के लिए बराबर हैं। सतीश श्रीवास्तव, बस्ती, एबीपी गंगा। तो बस्ती में डीएसपी समेत 10 पुलिस वालों का चालान कटा, तो वहीं गाजियाबाद पुलिस ने आम जनता के लिए एक मिसाल पेश की। यहां एक ट्रैफिक पुलिस सिपाही ने अपने ही अधिकारी का चालान काट दिया। दरअसल जब से चालान की दरों में इजाफा हुआ है आम जनता डरी और घबराई हुई है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस कर्मियों ने अपने आला अधिकारी की सरकारी गाड़ी का रॉन्ग साइड आने पर चालान कर दिया। गौरतलब है कि पुलिस वाले अगर कोई गलती करते हैं तो उन्हें डबल हर्जाना देना पड़ेगा। गाजियाबाद के ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी की ये गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी और इस पर वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने इसका चालान कर दिया। चालान भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 2500 रुपए का किया गया। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।